ना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो बहरहाल ये तो एक देशभक्ति की बात थी, और इस देश में अगर गद्दार हुए तो देशभक्त भी बहुत हुए। उन्हीं देशभक्तों की वजह से आज हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी के बाद आज़ादी का जो मतलब होता है ये मेरे ख्याल से लोग समझ नहीं सके। उसका उस आज़ादी का दुरुपयोग किया है सरकारों ने भी, दुरुपयोग किया पहले जो सरकारें रहीं। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने होते तो आज मेरे देश की स्थिति कुछ और ही होती, पक्की बात है। लेकिन जो उस समय हुआ वो सही नहीं हुआ। सही बात है, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष माना जाता था, बहुत ही बहादुर जांबाज, और उस टाइम पे लोग उन्हें मानते थे भाई, लेकिन बेईमानी की गई, प्रधानमंत्री के चुनाव में बेईमानी की गई। अधिक वोट पाने के बाद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री नहीं बने। और अगर आज का समय हो, यह आलमबाग चौराहे लखनऊ में आलमबाग चौराहे पर है समय, और जो नया माइक मैंने खरीदा है कॉर्डलेस, उसका यूज़ करके देख रहे हैं कि आवाज़ सही रिकॉर्ड होती है नहीं होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये चौराहे पे है, ये मेट्रो स्टेशन है आलमबाग का, इधर मेट्रो स्टेशन है और ये चौराहा है जहाँ से लोग जा रहे हैं। आगे अब देखते हैं कि कुछ क्या रिकॉर्ड होता है। इधर आले हाथ चलते हैं, चल रही, चल तो रही है भाई, चलो अब चल पड़े। बहरहाल अगर इसमें आवाज़ सही आ गई तब तो सही रहा, ज़्यादा पैसे मिल गए और रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। इससे भीड़ बहुत होती है भाई यहाँ पे चौराहे पे, भीड़ बहुत है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। अब आ गए चौराहा पार करने के बाद इतनी दिक्कत नहीं लगती। अभी आप देख सकते हैं कि आलमबाग चौराहे से पूरन नगर तक मार्केट ही मार्केट है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऊपर ये हमारे मेट्रो का पुल जा रहा है, इसके ऊपर से मेट्रो जाती है, जो आप देख सकते हैं ऊपर ये बराबर चल रहा है। ये सड़क नहीं बल्कि मेट्रो के लिए रेलवे लाइन खींची हुई है। ये देखिए अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, रात में बाजार की छटा कुछ और ही होती है, उसमें कोई वो नहीं है, नो डाउट। मतलब चारों तरफ लोग चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई फल खरीद रहा है, कोई सब्जी खरीद रहा है, कोई बाइक से अपने घर भागा जा रहा है ऑफिस करने के बाद में, और मैं बाइक चलाते समय मैं चला रहा हूँ, बाइक भी चल रही है और मेरा मुँह भी चल रहा है। तो ये भी एक झक होती है और क्या है, ये तो बात सही है। जो भी काम होता है वो झक, किसी इंसान की जब झक आती है तो काम अच्छे से हो जाता है, ये भी बात है, और नहीं तो नहीं। ये आप लोग देख सकते हैं, अभी ये पूरा नगर आने वाला है हमारा, और बस यहाँ से राइट हैंड मिलकर हमें अपने कॉलोनी के लिए प्रवेश करना होगा। अंदर कॉलोनी में पहुँच जाएंगे हम लोग। ये देखिए लोग मुड़ गए, ये
यहाँ पर भी एक वैसे पुलिस का होना चाहिए चौरा। ये क्या कहाँ जा रहे हैं? अरे हम निकले बेटा।